और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी। इतना डेड हो चुका है ये गेम, अब नहीं किसी के व्यूज आते हैं, नहीं वॉचिंग आते हैं, देखे खरीद रखा है। तो हाँ भाई, मैं ये फ्री फायर कम्युनिटी हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भी मेरे पास बहुत सारा न्यूज एंड अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, फ्री फायर का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर जसवंत गेमर, जिसके यूट्यूब चैनल में 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, तो उसने फ्री फायर यूट्यूब दोनों क्विट कर दिया और उसने अपने चैनल को सेल कर दिया। तो क्या रीजन था, आप लोग सुनो, और फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। खरीद रखा है। तो हाँ भाई, मैं ये फ्री फायर कम्युनिटी हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं फ्री फायर से रिटायरमेंट ले रहा हूँ भाई। अब जो है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्री फायर अब लाइफ में कभी भी नहीं खेलूंगा, क्योंकि सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ये वीडियो में मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो मैं आपको 7-8 महीने पहले से बताना चाहता था, और ये बात 7-8 महीनों से मैंने अपने साउथ, सो वी आर लाइक फैमिली, और ये 22 लाख लोगों की फैमिली रातों रात नहीं बन गई है भाई। 2017 से लेके अभी तक मैंने दिन रात मेहनत करके ये फैमिली बनाई है। जब मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत 2017 में की थी, तो इस चैनल का नाम शुरू से ही जसवंत फ्री फायर नहीं था। स्टार्टिंग में इस चैनल का नाम फिल्मी दुनिया था, और मुंबई में मूवीज के, टीवी सीरियल्स के ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं उसके अपडेट्स में देता था, और मेरा पूरा चैनल सिर्फ एक ही गेम पे डिपेंड था, जो कि है गरेना फ्री फायर। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया कि भाई अब क्या होगा, गेम तो बैन हो गया। और जब मैं प्ले स्टोर पे गया और मैंने सर्च किया गरेना फ्री फायर, तब मुझे थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि 28 सितंबर 2021 को गरेना फ्री फायर ने अपना फ्री फायर का अपग्रेडेड वर्जन फ्री फायर मैक्स लॉन्च कर दिया था, और वो अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल था। तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, तो मैं एकदम चिल हो गया कि भाई चलो कोई बात नहीं, फ्री फायर गया तो फ्री फायर मैक्स तो अभी भी है। तो फ्री फायर के बैन होने से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा मेरी इनकम का ग्राफ नीचे आ गया। पहले अगर मैं महीने के 1,30,000 रुपए कमा रहा था, तो अब सिर्फ 1,00,000 रुपए ही कमा पा रहा था महीने के। अभी भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिंदगी एकदम टनाटन चल रही थी, और 31 अगस्त 2023 को गरेना फ्री फायर ने सभी फ्री फायर प्लेयर्स को एक गुड न्यूज दे दी कि 5 सितंबर 2023 को हम जो है इंडिया में वापसी कर रहे हैं गरेना फ्री फायर इंडिया के साथ। और आज तक फ्री फायर इंडिया आया ही नहीं, प्लेयर्स सिर्फ इंतजार करते रह गए कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फ्री फायर इंडिया आएगा, लेकिन अफसोस उनका इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। और ओवर द टाइम मैंने कुछ चीजें नोटिस कर, मैं इस चैनल को बंद नहीं करूंगा जब तक ये सेल नहीं हो जाता। जिस दिन ये सेल हो जाएगा, मैं अपने जसवंत चौधरी चैनल पे बहुत ज्यादा रेगुलरली एक्टिव हो जाऊंगा। तो हाँ, आई होप आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जाने से पहले इसी चैनल पे मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि भाई आई लव दिस चैनल, आई लव दिस यूट्यूब चैनल। ये जो यूट्यूब चैनल है ना भाई, जसवंत फ्री फायर, ये एक चैनल नहीं है, ये इमोशन है मेरे लिए, कसम से भाई। मतलब मेरा वो टाइम चल रहा था जिंदगी का जब मेरे पास 5 रुपए भी नहीं होते थे भाई, 5 रुपए तो दूर की बात है, 1 रुपया भी मेरे जेब में नहीं होता था। उस टाइम पे इस चैनल ने मेरा साथ दिया, इस चैनल ने मेरे को लाखों में पैसे कमा के दिए, उस परिस्थिति से निकाला, वो गरीबी जो होती है ना, एकदम गरीबी से ऐसा पकड़ के खींच के निकाला है इस यूट्यूब चैनल ने। तो इस यूट्यूब चैनल ने मेरा बहुत भला किया है, और जिंदगी में कभी भी मैं अपनी बायोग्राफी कहीं पर बताऊँगा, इस चैनल का नाम हमेशा उसमें आएगा। और जैसा इस चैनल ने मेरा भला किया है, आई होप जो भी बंदा इस चैनल को टेक ओवर करे, वैसे ही ये चैनल उसका भी भला करे, उसकी भी लाइफ चेंज करे। तो चलो यार, जसवंत फ्री फायर का सफ़र इतना ही था 2017 से लेके 2024 तक। बस 2025 में नई शुरुआत करेंगे फेस कैम वीडियोज़ के साथ, और याद रखना जसवंत गेमर को। हाँ भाई, फ्री फायर कम्युनिटी में कोई बंदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी बढ़िया से टॉपिक के साथ। जसवंत चौधरी यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, आई मिस यू गाइस फॉरएवर। अनग्रेजुएट गेमर ने एक नया चैनल क्रिएट किया है, तो आप लोग उसी के मुंह से नाम सुनो कौन सा चैनल है। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, एक और क्या, पहली वीडियो इस चैनल की होगी गाइस। तो ये चैनल का हम सोच रहे थे, जो हमारे डेली व्यूअर्स होंगे पिछले 6-7 महीनों से, क्या इस एक नया चैनल बनाओ, गेम प्ले डालो, नाम भी डिस्कस कर रहे थे, टॉक्सिक आयुष, AWM आयुष। तो बहुत सारे लोगों ने AWM आयुष बोला, तो मैंने AWM आयुष उसका नाम रख लिया है। ओके, और अभी तो गाइस, GW Mad Max ने टूर्नामेंट से क्विट कर दिया, तो किस रीजन से क्विट किया है, तो आप लोग उसी के मुंह से सुनो। हाय गाइस, कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। तो मुझे कुछ अनाउंस करना था आप लोगों को कि अब मैं आपको कहीं भी टूर्नामेंट खेलते हुए नहीं दिखूंगा। हाँ, क्योंकि अब मतलब नहीं बनता है इस गेम का टूर्नामेंट वगैरह खेलना। आप सबको पता है कि अब इतना डेड हो चुका है ये गेम, अब नहीं किसी के व्यूज़ आते हैं, नहीं वॉचिंग आते हैं, इस गेम में मतलब नहीं अब कंटिन्यू करके, है ना।
तो आप सबको मैं भी यही सजेशन दूंगा, लाइक जो भी अंडरडॉग्स हो या फिर जो भी अभी सोच रहे हो कि इस गेम में एज अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर ग्रो करने का, तो अभी पॉसिबल है नहीं। मतलब हाँ, फ्री फायर आ गया तो बात अलग है, बट आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी अभी ऐसा लाइक करियर में फोकस करो जो आपको एक्चुअल में हेल्प करे इन फ्यूचर। इसके में भी मतलब नहीं है कंटिन्यू करके, जब गेम आया तो उस टाइम सोचना, पर अभी मतलब नहीं है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा कि लाइक जितने भी अभी जितने लोगों ने भी अभी सपोर्ट किया, अभी तक जो भी सपोर्टर्स थे, हेटर्स थे, सबको थैंक यू एंड लव यू ऑल। अभी मैं आपको आज से कभी टूर्नामेंट खेलते हुए नहीं दिखूंगा कहीं भी, बाय बाय। तो आज का लास्ट अपडेट होने वाला है कि सौरभ जोशी को एक लेटर मिला था जिसमें कि उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसे 2 करोड़ का डिमांड किया था। तो सौरभ जोशी ने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और फिर क्या हुआ आप लोग। और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। पर सौरभ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गाइज, आप लोगों को पता ही होगा आजकल न्यूज़ में जो भी चल रहा है, हाँ वो सच है, और उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी हमारे साथ में हुआ है और हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। हमारे साथ में जो भी कंप्लीट ये इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरी फैमिली यहाँ बैठी है। 2 दिन पहले मैं कहीं बाहर से मार्केट से सोसाइटी के अंदर घुस रहा था शाम के टाइम पे, तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सौरभ, सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा इसको। तो मैंने कहा यार, इतने सारे लेटर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स गिफ्ट भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा होता कि सिर्फ सौरभ ही खोलेगा, सिर्फ सौरभ ही पढ़े, उस पर लिखा सौरभ ही पढ़े। तो मेरे को एकदम से कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपये दो, और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से, मैं कहा ये क्या, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो मैंने उसी टाइम सीधा मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बताया, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने हमको प्रोटेक्शन भी दी प्रॉपर अच्छे से, हमारे घर के अंदर भी पुलिस थी, सोसाइटी में भी, बाहर भी, पूरी अच्छे से हमको प्रोटेक्शन दी गई। 2 दिन तक हमारी पूरी प्रोटेक्शन करी पुलिस ने बहुत अच्छे से, उत्तराखंड पुलिस ने, हल्द्वानी पुलिस ने। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हल्द्वानी पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का, उन्होंने जो कोऑपरेट किया, उन्होंने जो हेल्प करी हमारी, और इन्वेस्टिगेशन करके एक ही दिन के अंदर उसको पकड़ भी लिया। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया किस तरह से इंसिडेंट हुआ था, और मीडिया में अब यही चल रहा है, और फाइनली अब उसको पकड़ लिया है वो जो भी था। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, जानने वालों के, यूट्यूबर्स के, बिकॉज ये नेशनल न्यूज़ बन चुकी है, सारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं सब ने कवर किया है, मतलब नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। तो सबके मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, सब चिंता कर रहे हैं, सब कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे क्लियर करना चाहिए। अब सब कुछ शॉर्ट हो चुका है, मतलब एक ही दिन के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया है इन्वेस्टिगेट करके, और हम सेफ हैं, सब सेफ है, कोई 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 दिक्कत नहीं है। तो बस मुझे आपको बताना था ये बात, और बाकी पापा जी आप क्या सोचते हैं इस बारे में। हमें अपने उत्तराखंड पुलिस के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है, गर्व है कि उन्होंने हमारी इतनी मुश्किल समय में हेल्प करी, बहुत उन लोगों ने हमारे को आगे भी आश्वासन दिया है कि कभी भी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपके साथ में हमेशा के लिए खड़े हैं। और काफ़ी लोग हमारे नाम से इसके ऊपर फेक न्यूज़ भी डाल रहे हैं, बड़ा चला के बता रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब सेफ हैं, और पुलिस ने अपना काम कर दिया है, बहुत जल्दी काम कर दिया है, और अच्छे से हमको सिक्योरिटी भी दिया, सब कुछ सब सही है। जो लोग बड़ा चला के दिखा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।